दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो मुझको ये बोल रहे हैं कि हमारी 4 फीट की छतरी पे ओरिजन 85 का सिग्नल नहीं आ रहा है, और अगर आ भी रहा है तो 1-2 टिपी आती है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है, ना ही ज़्यादा चैनल आते हैं। तो आज का वीडियो उन्हीं बंदों के लिए मैं बना रहा हूँ। देख लो भाई, ये मेरी 4 फीट की फाइबर की छतरी है और एकदम फुल चैनल आ रहे हैं। जो मेन टिपी है 11760 वाली, उस टीपी पे भी एकदम ज़बरदस्त सिग्नल आ रहा है, एकदम फुल आ रहा है। ये देख लो वायर, ये मेरे मीटर में गई हुई है और पूरे के पूरे चैनल आ रहे हैं। वो मेरी 6 फीट की छतरी तो मैंने निकाल के रख दी है क्योंकि उसको मुझे कलर करना है। ये देख लो, अगर आपको भी दोस्तों 4 फीट की फाइबर की छतरी पे हॉरिजॉन के पूरे चैनल रिसीव करना है तो फीड ऑन लगाना बहुत ज़रूरी है। बिना फीड ऑन के बहुत कम सिग्नल आएंगे और बहुत कम चैनल आएंगे। और ये आपकी फेवरेट टीपी 11760 हॉरिजॉन्टल 28800। दोस्तों, ये बहुत से लोगों की दिक्कत है कि इस टीपी पे 11760 वाली टीपी पे 6-6 फीट की छतरी पे भी सिग्नल नहीं आ पाता है, और मेरे पास सिर्फ 4 फीट की छोटी छतरी पे क्यों सिग्नल आ रहा है, बहुत से लोगों का यही सवाल है। तो देख लो भाई, फीड ऑन लगाना एक तो आपको बहुत ज़रूरी है, और ऊपर से फाइबर की छतरी का फोकल पॉइंट एकदम एक्यूरेट होना चाहिए आपका। अगर आपका फोकल पॉइंट गलत है, अगर फोकल पॉइंट सही भी है और आपने फीड ऑन नहीं लगाया है तो भी सिग्नल नहीं आएगा। ये देख लो, ये 12000 वाली सबसे स्ट्रॉन्ग टीपी रहती है, 12000 हॉरिजॉन्टल 28000, ये इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीपी है। अगर आपको हॉरिजॉन 85 डिग्री को ट्रैक करना है तो इसी टीपी से पहले ट्रैक करें तो इसमें जल्दी सिग्नल आएगा। और बाकी ये एक और टीपी है 11720 वाली, ये भी स्ट्रॉन्ग रहती है। देख लो, अगर ट्रैक करना है तो 12000 वाली यूज़ करना। और बहुत से बंदों का कहना है कि ये 11720 वाली टीपी पे भी ट्रैक करते हैं तो जल्दी सिग्नल आता है। और बाकी दोस्तों, अगर आपको ये सेटेलाइट ट्रैक करनी हो तो आप सबसे पहले टाटा स्काई 83 डिग्री को सेट कर ले, क्योंकि टाटा स्काई पे तो 2 फीट पे ही सिग्नल आ जाता है। आपको पता है इंडिया की सेटेलाइट है, इंडिया की पेड सेटेलाइट है टाटा स्काई। तो अगर आपको हॉरिजॉन 85 सेट करना है 4 फीट पे, तो सबसे पहले टाटा स्काई 83 सेट कर लो। उसके बाद छतरी के पीछे खड़े होके हल्का सा सीधे हाथ की तरफ आपको घुमाना है, हल्का सा बारीक सा, और अप डाउन करना है तो आपके हॉरिजॉन 85 के सिग्नल आ जाएंगे। बाकी ये देख लो भाई, अगर आपको 4 फीट पे सारे चैनल रिसीव करना है बढ़िया सिग्नल के साथ, तो आपको फीड हॉर्न लगाना बहुत ज़रूरी है, और ऊपर से फोकल पॉइंट भी आपका सही होना चाहिए। और ये 6 फीट की छतरी दोस्तों मैंने अभी कलर करने के लिए निकाल दी है, अभी इसको मैं कलर करूँगा 6 फीट की छतरी को, इसलिए मैंने निकाली हुई है। और दोस्तों, बहुत से लोग परेशान हो रहे थे कि उनकी 4 फीट की छतरी पे हॉरिजॉन 85 के सिग्नल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, और अगर आ भी जाते हैं तो 1-2 टीपी रिसीव होती, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी होती नहीं है। और ऊपर से मेरा वीडियो देख देख के और भी ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि यार, इस बंदे के पास सब चैनल आ जाते हैं, पूरे सिग्नल आते हैं, तो हमारे पास क्यों नहीं आते हैं। ये देख लो भाई, ये प्लेबॉय वाला चैनल है, इस पर देख लो सिग्नल भी बढ़िया है। और एक और ये उलाला, इस पर भी 37 तक सिग्नल आ रहा है। टीपी भी देख लो 11760 हॉरिजॉन्टल 28797, ये स्कैन करते टाइम टीपी चेंज हो जाती है, इतना तो आपको पता होगा। ये ब्रिज टीवी, ये 11760 वाली पे एकदम फुल सिग्नल आ रहा है, 4 फीट की फाइबर की छतरी पे। मेरी लोकेशन है टेमरिया पोस्ट ऑफिस डही, जिला थार, मध्य प्रदेश, इंडिया। ये देख लो ब्रेजर टीवी यूरोप, बिल्कुल 4 फीट की छोटी सी छतरी पे सब कुछ चैनल आ रहे हैं मेरे पास, पूरे ऑल टोटल। आज के टाइम पे सेटेलाइट पे जितने भी चैनल है सभी मेरे पास आ रहे हैं। और चलो दोस्तों, एक बार आपको नीचे जाके मैं ब्लाइंड स्कैन करके बता देता हूँ टीवी में कि कितने चैनल मिल रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा मैं वीडियो को आगे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। और बाकी दोस्तों, ये स्कैनिंग हो रही है, और शुरू शुरू में दोस्तों इसमें थोड़े बहुत टाटा स्काई के चैनल आगे हैं। ये देख लो जी, तमिल HD, DD न्यूज़ HD, ये टाटा स्काई के भी आगे हैं साथ में। पता नहीं ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ, पहले आते नहीं थे, लेकिन अभी जो है आए हैं। टाटा स्काई 83 डिग्री पे है और हॉरिजॉन जो है 84.9, यानी कि समझ लो 85 डिग्री पे, और बहुत सी वेबसाइट पर 85 डिग्री ही लिखा हुआ आता है। तो 85 और 83 साथ साथ में होने के कारण वो थोड़े बहुत टाटा स्काई के आगे कुछ 2-4-5 चैनल जो शुरू में आए थे वो। बाकी ये देख लो आपके सामने है, ये सभी हॉरिजॉन के चैनल है।
स्कैनिंग में आ रहे हैं। और दोस्तों मेरे पास सिर्फ मेरी लोकेशन है टेमरिया पोस्ट ऑफिस डही जिलाधार मध्य प्रदेश इंडिया, तो मेरी इस लोकेशन पे 4 फीट की छतरी पे पूरे टोटल चैनल आ जाते हैं। देख लो अभी फिलहाल की कंडीशन में 235 चैनल है इस सेटेलाइट पे आज की तारीख में, तो चैनल जो है घटते बढ़ते रहते हैं इस सेटेलाइट पे। कभी 285 थे पिछले टाइम पे जब मैंने पिछले साल किया था, फिर अभी बीच में 245 हो गए थे, फिर 254 हो गए थे, फिर 224 हो गए थे। इस सेटेलाइट पे चैनल घटते बढ़ते रहते हैं, कभी कभी नए चैनल ऐड हो जाते हैं, कभी कभी रिमूव हो जाते हैं। तो फिलहाल मैं आज की तारीख में इतने ही चैनल थे, अगर मैं 6 फीट पे भी इसको ट्रैक करता तो भी इतने ही मिलते। बाकी मैं फ्री टू एयर चैनल आपको बता देता हूँ चला के, और स्क्रैम्बल चैनल आपको कैसे चलाना है वो आप सब लोग जानते हो, क्योंकि कोई भी एरा गेरा नत्थू गेरा इस सेटेलाइट को ट्रैक करता नहीं है, जो सब कुछ जानता है वही इंसान इस सेटेलाइट को ट्रैक करता है। तो ये जो स्क्रैम्बल चैनल है डॉलर निशान वाले, इनको कैसे चलाना है आप बिल्कुल पूरी तरीके से जानते हो। और ये देख लो दोस्तों आपकी फेवरेट टीपी आ गई है 11760 वाली, ये रहा आपका प्लेबॉय। दोस्तों स्कैनिंग करते टाइम टीपी हल्की सी चेंज हो जाती है, जो 11760 था वो 11759 हो गया है देख लो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, स्कैनिंग करते टाइम हो जाता है ऐसा। और ये उलाला, तो दोस्तों इन्हीं चैनल के लिए सब लोग पागल रहते हैं कि भाई ये सेटेलाइट ट्रैकर वाले का कैसे 4 फीट की छतरी पे सारे चैनल आ रहे हैं, हमारे आ नहीं रहे। बहुत से लोग परेशान होते हैं, तो एक तो फोकल पॉइंट सही होना चाहिए, और दूसरी बात बिना फीड ऑन के सारे चैनल नहीं आएंगे, ये बात लिख के रख लो, फीड ऑन होना बहुत ज़रूरी है। बिना फीड ऑन के सारे चैनल नहीं आएंगे हॉरिजॉन के, फीड ऑन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी छतरी 4 फीट की फाइबर की है, 4 फीट की है या 3.5 फीट की है या 5 फीट की है, और 6 फीट की छतरी पे तो मेरे लोकेशन पे फीड ऑन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, 6 फीट पे तो यार मतलब ऐसे ही आ जाता है, गलत फोकल पॉइंट हो तो भी आ जाता है हॉरिजॉन का सिग्नल, क्योंकि जब 4 फीट पे ही फुल आ रहा है तो 6 फीट तो बहुत ज़्यादा हो गया। बाकी ये देख लो आपका पे वगैरह, तो बहुत से लोग जो है बोल रहे थे, एक तो हमारे नरसिंहपुर से एक दोस्त है, उसके बाद में देवास से भी एक दोस्त है, और उसके बाद पाली राजस्थान से भी हमारे मित्र है, कुछ मंदसौर से भी है और छतरपुर से भी है, तो बहुत से मित्र लोग बोल रहे थे कि हमारा जो हॉरिजॉन ठीक से चल नहीं रहा है, सारे टीपी पे सिग्नल आ नहीं पाते, कभी दिन में नहीं आते हैं, कभी कभी रात में आ जाते हैं लेकिन रात में भी छोड़ पकड़ करते हैं। तो भाई देख लो ये मेरा तो एकदम बढ़िया चल रहा है, और ये वीडियो में शाम की 5:30 बजे के तकरीबन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये देख लो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको थोड़ी बहुत जानकारी वाला लगा होगा, और ये स्पेशली ये वीडियो उन्हीं बंदों के लिए बनाया था जिनका सिग्नल हॉरिजॉन का ठीक से आ नहीं रहा है। तो बाकी दोस्तों ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं किसी और नए दिन किसी और नई सेटेलाइट ट्रैकिंग के साथ।